सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो फाइनली से बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग के इंडस्ट्री के जो है बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो टेक्सास प्रो के साथ। सो टेक्सास प्रो में जो एथलीट कम्पीट करने वाले हैं उनके जो ट्रंक्स नंबर है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। बात करें यहाँ पर जो क्लासिक फिजिक कैटेगरी में कम्पीट करें लोगन फ्रैंकलिन की। सो लोगन का जो ट्रंक नंबर है वो है 47 और लोगन ने यहाँ पर जो 8 आवर्स पहले ये जो अपनी फिजिक अपडेट है उसे जो है शेयर किया है। बात करें अगर इस फिजिक की, सो लोगन जो है नो डाउटली एक अच्छे लीन मसल मास के साथ जो है अपनी फिजिक को होल्ड कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें रिसेंटली इनके जो है पिछले अपडेट्स की, सो उनमें जो लोगन एक काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर और एक काफ़ी अच्छी जो फिजिक को हैंडल कर रहे हैं और लोगन ने जो अपनी फिजिक में मसल मास जो है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इम्प्रूव्ड कर लिया है। बट अगर हम बात करें लोगन की फिजिक के जो फ्लोज की, सो आई थिंक इनकी फिजिक में जो एक मसल्स की जो हार्डनेस और एक जो रिप्ड कंडीशनिंग होती है उसकी थोड़ी सी जो है कमी दिखती है। बट आई थिंक अगर हम बात करें लोगन के स्ट्रक्चर की, सो नो डाउट क्लासिक फिजिक कैटेगरी के हिसाब से आई थिंक लोगन के पास जो है एक काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल स्ट्रक्चर है। बट देखते हैं कि टेक्सास प्रो में जो उनका परफॉर्मेंस है वो कैसा रहता है, बिकॉज यहाँ का जो लाइनअप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर जो 212 कैटेगरी की, सो 212 कैटेगरी में कम्पीट कर रहे हैं यहाँ पर जो है कियोन पोर्दिगी। सो कियोन का यहाँ पर जो ट्रंक नंबर है वो है 25। और लास्टली अगर हम बात करें यहाँ पर जो कियोन के अपडेट्स की, सो कियोन ने यहाँ पर जो 6-7 दिन पहले अपने जो फिजिक अपडेट है उन्हें जो है शेयर किया। और बात करें इनके जो पिछले अपडेट्स की यहाँ पर जो टेक्सास प्रो से रिलेटेड, सो यहाँ पर जो कियोन जो है काफ़ी अच्छे जो एक स्ट्रक्चर के साथ एक जो है काफ़ी अच्छे जो मसल मास वाली फिजिक को हैंडल कर रहे हैं। बात करें अगर कियोन की, सो कियोन की जो बैक थी वो काफ़ी वीक थी, बट इन्होंने जो इस साल अपनी बैक में और वहीं जो ग्लूट्स के एरियाज में भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो एक हैवी इंप्रूवमेंट्स किए हैं। वहीं अगर हम बात करें फ्रंट की बॉडी की, सो फ्रंट बॉडी इनकी नो डाउटली काफ़ी अच्छे जो है स्ट्रक्चर वाली और काफ़ी अच्छे जो है बेहतरीन मसल्स क्वालिटी वाली है। सो यहाँ पर जो टेक्सास प्रो में आई थिंक मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली 212 कैटेगरी को जो जीतने वाले वो रहेंगे यहाँ पर जो है कियोन पोर्दिगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कियोन टेक्सास प्रो को जीत जाएंगे या नहीं, नीचे जो कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। वही मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर जो हंटर लवराडा की, जो कि कम्पीट करने वाले हैं यहाँ पर जो है टेक्सास प्रो में। सो रिसेंटली उन्होंने यहाँ पर जो टैंपा प्रो में भी कम्पीट किया था, अब ये जो है टेक्सास प्रो में कम्पीट करें। बात करें इनके जो ट्रंक नंबर की, सो यहाँ पर जो है हंटर का जो ट्रंक नंबर है वो है 6। बात करें अगर हंटर के यहाँ पर जो रिसेंटली 3 दिन पहले के फिजिक अपडेट की, सो मुझे लग रहा है कि इस अपडेट में जो हंटर काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। बट बात करें यहाँ पर जो हंटर की, सो नो डाउट मुझे लग रहा है कि हंटर इस शो के लिए जो काफ़ी बड़ा खतरा होने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर जो एंड्रयू जैक भी कम्पीट करने वाले हैं। बट यहाँ पर जो टेक्सास प्रो में अगर हम बात करें हंटर की फिजिक की, सो हंटर की फिजिक में आई थिंक कम्प्लीटनेस जो है मसल्स की वो काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर जो एंड्रयू की फिजिक में जो मसल्स की जो कमी है वो थोड़ी सी दिखाई देती है। बट अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करें, सो एंड्रयू का जो स्ट्रक्चर है वो नो डाउटली एक काफ़ी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर जो हंटर काफ़ी अच्छे और पील्ड दिखाई दे रहे हैं। सो अभी देखते हैं कि टेक्सास प्रो में जो इनका परफॉर्मेंस है वो कैसा रहता है। वैसे इनका जो ट्रंक नंबर है वो है 6। वहीं मैं बात करूँ यहाँ पर जो एंड्रयू जैक की, जिनका कि यहाँ पर जो ट्रंक नंबर है वो है 7। सो एंड्रयू जैक का अभी तक कोई भी यहाँ पर जो फिजिक अपडेट नहीं आया, सो जिसके बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि एंड्रयू जो इस शो में कैसी फिजिक जो है लेकर आएंगे। बट एंड्रयू का जो फेस है इस टाइम जो है बिल्कुल डेथ फेस दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पर जब आपकी कंडीशनिंग एक फिनोमिनल लेवल पर होती है तो आपका जो फेस है वो आपकी कंडीशनिंग को जो है जाहिर करने लगता है। सो अभी देखते हैं कि कल होने वाले टेक्सास प्रो में जो उनका परफॉर्मेंस है वो कैसा रहता है। वही मैं लास्टली बात करूँ यहाँ पर जो निक वॉकर की, सो निक ने यहाँ पर जो रिसेंटली ये जो अपना 11 वीक्स आउट मिस्टर ओलंपिया से जो है फिजिक अपडेट जो वो शेयर किया है। आई थिंक इस अपडेट में निक मुझे लग रहा है एक काफ़ी अच्छे जो मसल मास के साथ अपने प्रोपोर्शंस की तरफ जो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओवरऑल इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। आई थिंक इस बार जो निक काफ़ी हंगरी है यहाँ पर जो मिस्टर ओलंपिया के लिए, बिकॉज इन्होंने जो इस बार अर्नोल क्लासिक का भी जो एक टाइटल है उसे जो हारा है यहाँ पर जो सैमसन दाउदा से। मुझे लग रहा है कि इस बार के ओलंपिया में सैमसन के साथ जो इनकी राइवलरी होने वाली है वो आई थिंक मिस्टर ओलंपिया के जो टाइटल के एथलीट्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा जो बड़ी राइवलरी होगी। सो अभी देखते हैं कि इस बार के ओलंपिया में जो इनका परफॉर्मेंस है वो कैसा रहता है। और अगर आप ऐसी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स एंड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।